की जिंदगी में ऐसे मकामात बहुत अहमियत के हामिल होते हैं जहाँ पहुँच कर वो अपनी तमाम मसरूफियात भूल कर कुछ वक्त अपने खानदान और दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं। दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के दामन में वाकया पाकिस्तान होने में ऐसे ही मकामात में से एक है। ये यादगार इस्लामाबाद शकरपड़िया के मकाम पर वाकया है जो कि 2.8 एकड़ के रकबे पर मुहित है। ये 0 पॉइंट की सतह से तकरीबन 100 फुट की बुलंदी पर वाकया है ताकि ये पूरे इस्लामाबाद से देखा जा सके। ये न सिर्फ आरिफ मकसूद की तकनीकी सोच को हकीकत का रूप देता है बल्कि इसकी तजनो आरइश उबलवतनी के जज्बे को भी उभारती है। ये अजीम इमारत इन लोगों के नाम की गई है जिन्होंने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान मोनूमेंट का डिजाइन एक फूल की मानव तैयार किया गया है। इसकी चार बड़ी पत्तियां बगैर किसी सहारे की खड़ी हैं जो कि सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी है। इन पत्तियों के अंदरूनी हिस्से में इस्लामी तहजीब और सकाफत नक्श है। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और कबायली इलाका जात की खूबसूरत तस्वीर। पत्तियों के दरमियान मौजूद तकोन पर सुनहरे सितारे इन लोगों की अलामत है जिन्होंने अपनी जिंदगियां वतन अजीज के लिए कुर्बान कर दी। पाकिस्तान मोनूमेंट एक दिलफरेब और इंतहा खूबसूरत जगह होने के साथ साथ अजीज की तहजीब और सकाफत की अक्कासी भी करता है। यहाँ इन लोगों के हाथों के निशानात भी मौजूद हैं जिन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। पाकिस्तान मोनूमेंट की बुनियाद 25 मई 2004 को जनरल प्रवेश में शहर में रखी और 3 साल के कलील अरसे में अंतक मेहनत की बदौलत इसका इफ्तिताह सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 23 मार्च 2007 को किया। ओवरऑल तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगे बिकॉज यहाँ का ओवरऑल इस्लामाबाद का यहाँ से अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल इस तरह का बिल्डिंग या इस तरह का बना हुआ स्ट्रक्चर्स मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी हम NCA के स्टूडेंट्स हैं, लाहौर से सुबह ही ट्रैवल करके आए हैं तो काफ़ी सुन रखा था इस जगह के बारे में, तो काफ़ी अच्छी जगह है। ग्रीनरी वाइज भी बहुत अच्छी जगह है, उसके अलावा जो रिलीफ में काम हुआ है वो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एक लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी ये है कि फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, तो जब भी आपके पास टाइम आए आप ज़रूर आके इसको। पाकिस्तान मोनूमेंट के अहाते में पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम भी कायम किया गया है। म्यूजियम पाकिस्तान की तारीख एतबार से बेहद अहमियत का हामिल है। यह म्यूजियम दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा बरसगीर की कदीम सकाफत जबकि दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के हसूर की जद्दोजहद की अक्कासी करता है। म्यूजियम में तारीख के सफर का आगाज 3000 कबल मसीह से होता है जबकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बुतमत तहजीब के मरकज थे। 711 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद से एक नए दौर का आगाज हुआ। इसके बाद बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। फिर खत्ते में सूफी बुजुर्गों की आमद से मोहब्बत और रवादारी का दर्ज फैला।
1857 की जंग आज़ादी और मुगलिया दौर के खतान के तनाजुर में सर सैद अहमद ख़ान को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि आला तालीम के हसूल के बगैर मुसलमान आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। और तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ उसी दिन हो गया था जब अलीगढ़ में जदीद तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान कौम के लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा था जो कि इनके जज्बात के ऐन मुताबिक था। करारदाद पाकिस्तान, 3 जून का प्लान, गांधी जिना मुज़ाकरात इस ख्वाब के हसूल की तरफ चंद अहम कदम थे। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक मुस्लिम मुल्क उभरा जिसके लिए पूरी कौम ने कुर्बानी दी। 1,40,00,000 लोगों ने पाक भारत सरहद पार की, 10,00,000 जाने ज़ाया हुईं और बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिला जहां वो अपनी मर्जी से सांस ले सकें। इस म्यूज़ियम में बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के तर्ज़ ज़िंदगी को भी दिखाया गया है। यहाँ इन अजीम शख्सियात की ज़ेर इस्तेमाल हर अशिया को रखा गया है जो आने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस है। हमें पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम की 4 एडमिन स्टोर्स हूँ यहाँ पे, और ये म्यूज़ियम 2010 में इनाग्रेट हुआ फॉर पब्लिक 4 नवंबर को। म्यूज़ियम जो है टोटली हिस्ट्री को डिपेक्ट करता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री 7000 BC से लेके 1947 तक। और इसमें हमने जो म्यूज़ियम की जो हिस्ट्री को डिस्प्ले किया इन 3 डायमेंशनल डिस्प्ले किया हुआ है। सैयद अहमद ख़ान का जो अहम रोल है उसको डिस्प्ले किया, फिर अलामा इकबाल ने जो पाकिस्तान मूवमेंट में एक अहम किरदार अदा किया और एक वो हमारे नेशनल पोइट थे जिनकी मोटिवेशन की वजह से मुसलमानों ने आगे जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। फिर हमने उनके कुछ रैलिक डिस्प्ले किए हुए हैं जो लाहौर म्यूज़ियम से, म्यूज़ियम जावेद मंजिल जो लाहौर में है वहाँ से एक्वायर की हुई रैली। उनका हमने उनका जो बम्बई में घर था उसकी थोड़ी सी एक डिक्टो कॉपी बनाई है। फिर उनका जो पार्टीशन के बाद घर जो उनको मिला जो उन्होंने खुद एक्वायर किया था जो कराची में है फ्लेक्सटॉफ हाउस, उसका ड्राइंग रूम की सीटिंग बताई है। हर 2 पोर्शन है म्यूज़ियम के, लोअर एक अपर। जो लोअर में है उसमें तो हमने टोटली हिस्ट्री दिखाई है 7000 BC से टिल 1947 तक। फिर जो अपर पोर्शन है उसमें यानी पाकिस्तान ने 1947 के बाद क्या अचीव किया है वो हमने सिर्फ पिक्टोरियल व्यू वो वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे 3 डायमेंशनल नहीं। इस म्यूज़ियम और इसमें मौजूद कदीम अशिया की हिफाजत जदीद तरीन कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए की जाती है। शाम होते ही यहाँ पर आने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान मोन्यूमेंट के अहाते में मौजूद फवारे और इस पर पड़ने वाली खूबसूरत रोशनियों से आने वाले सयाहों पर सहर की सी कैफियत तारी हो जाती है। पाकिस्तान मोन्यूमेंट नई नस्ल के लिए तोहफा है जो इन्हें इनके बुजुर्गों की कुर्बानियों की रहती दुनिया तक याद दिलाता रहेगा।